वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती है कि देश को आजादी 2014 में मिली। ऐसा लगता है कि कंगना रनौत और विवादों का चोली दामन का साथ हो गया है। कहा जा सकता है कि कंगना अपनी फिल्मों को लेकर कम और अपने विवादों को लेकर ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। आप जानते ही हैं, इन दिनों उनके आजादी वाले बयान पर विवाद है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। कंगना के इस विवाद में अब AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए हैं। अलीगढ़ में आयोजित हुई जनसभा में ओवैसी ने कंगना की आजादी को लेकर जो बयान दिया था कंगना ने, उस पर क्या कहा है, हम सब आपको इस रिपोर्ट में पूरे बयान के साथ सुनाते हैं। वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती है कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। मैंने थालियां मारने के लिए नहीं सोचते, बता रहा हूं, देखो आप। अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता, उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती और फौज ने तुले हत्यारी की। दरअसल एक इंटरव्यू में कंगना ने देश की आजादी पर विवादित बयान दिया था। बयान में कंगना ने कहा कि 1947 की आजादी आजादी नहीं, भीख है। असली आजादी तो 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी सरकार के दौरान मिली थी। उनके इस बयान को लेकर हर जगह उनका विरोध किया जा रहा है और प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन अपने इस विवादित बयान पर माफी मांगने के बजाय कंगना ने सोशल मीडिया पर नया राग छेड़ दिया है। कंगना ने यहां तक कहा कि 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी उन्हें नहीं पता है, इसके बारे में अगर कोई उन्हें बताएगा तो वो अपना पद्मश्री अवार्ड वापस कर देंगी। इतना ही नहीं, ओवैसी ने कंगना के मुद्दे को लेकर पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी घेर लिया। आगे उन्होंने कहा कि देशद्रोह क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए है, ये भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनसे सवाल किया कि 1947 में देश आजाद हुआ था या फिर 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ, बताओ। और अगर ये गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे, सेडेशन का, क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए। यही नहीं, ओवैसी ने कंगना पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इनडायरेक्टली कह दिया कि वह क्वीन है और आप किंग, लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे। बाबा ने इंडिया पाकिस्तान T20 मैच के बाद टिप्पणी करने वालों को देशद्रोह के आरोप में जेल में डालने की धमकी दी थी। बता दें कि यहां ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 24 अक्टूबर को हुए भारत पाकिस्तान के मैच के बाद पाक की जीत का जश्न मनाने वाले लोगों को चेतावनी दी थी और कहा था कि उन लोगों को जेल में डाल दिया जाएगा। बताते चलें कि कंगना के बयान के बाद हुए विवाद पर उन्होंने सफाई देते हुए कहा था, मैंने रानी लक्ष्मीबाई जैसी शहीद पर बनी फीचर फिल्म में काम किया है, 1857 की पहली लड़ाई पर काफी रिसर्च किया है, राष्ट्रवाद के साथ राइट विंग का भी उभार हुआ, लेकिन ये अचानक खत्म कैसे हो गया और गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों मरने दिया, आखिर क्यों नेता बोस की हत्या हुई, कभी गांधी जी का सपोर्ट उन्हें क्यों नहीं मिला। आजादी की खुशियां मनाने के बजाय भारतीय एक दूसरे को मार रहे थे। मुझे ऐसे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। हमारे पास दिखाने को आजादी थी लेकिन भारत की चेतना और विवेक को 2014 में आजादी मिली। ये सब कुछ इंटरव्यू में बहुत साफ तौर पर कहा गया था, लेकिन जो चोर हैं उनकी तो जलेगी, कोई बुझा नहीं सकता। जय हिंद। हालांकि कंगना के आजादी वाले विवादित बयान पर लगातार विवाद हुए और कई राजनेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की। आपको क्या लगता है, कंगना का देश की आजादी पर दिया विवादित बयान कितना सही है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।